वन. सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, लेट्स डिस्कस फर्स्ट. तो देखो द एजेंडा इज, आप लोगों को पता है कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू. जनवरी का आज जितना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको मैंने फिल्टर कर लिया है, ठीक है. तो जनवरी के पहले हम लोग करंट अफेयर्स कर लेते हैं. करीबन आपको 150-180-200 क्वेश्चन मिलेंगे हर मंथ, और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन और आंसर सुनते जाना है. आवाज क्लियर है, वॉइस इज क्लियर, क्वेश्चन आपके सामने आएगा, क्वेश्चन का आंसर पता होगा, वेरी गुड. नहीं पता होगा और भी अच्छा है, तो आप क्वेश्चन का आंसर याद कर लीजिएगा. यस, वेरी गुड मॉर्निंग, चलें बढ़िया. तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं, नो टाइम वेस्ट, नथिंग, नो टॉकिंग, ओनली क्वेश्चन आंसर, ठीक है. तो काउंटडाउन शुरू होता है हमारे एग्जाम का, जो कि नवंबर में होने वाला है. सो लेट्स बिगिन. पहला कि देखिए पैरा, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, इस साल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, पैरा बैडमिंटन एकेडमी. तो जो लोग दिव्यांग होते हैं उनके लिए एक बैडमिंटन का एकेडमी खुला है. किस शहर में खुला है ये बताइए, है ना. तो ये लखनऊ में खुला है. तो जो लोग दिव्यांग होते हैं उनके लिए पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ खुला है, तो ये लखनऊ में खुला है. नेक्स्ट, लखनऊ में खुल गया. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इंडियाज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स तो लॉन्च फॉर 20 डिस्ट्रिक्ट. इंडियाज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स लॉन्च फॉर 20 डिस्ट्रिक्ट. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक ऐसा स्टेट है जो कह रहा है कि चलो जो सुशासन करते हैं उसका सूचकांक निकालेंगे. सबको आंसर देगा, यहाँ से आज कोई मजाक नहीं. जो क्वेश्चन का नहीं आंसर पता है आप आंसर बताते जाइएगा. बिल्कुल, जम्मू एंड कश्मीर है जिसका संभा डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है. बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट, ठीक है. जम्मू कश्मीर ने अपने 20 डिस्ट्रिक्ट के लिए गुड गवर्नेंस इंडेक्स शुरू किया है. पैरा बैडमिंटन लखनऊ में खुला है. जेडी हेमलेट, तो जेडी हेमलेट एक ऐसा गांव है जो कि किस जगह में है, इसको मिल्क विलेज के नाम से कहा गया है. तो ये भी कहाँ है, ये भी जम्मू कश्मीर में है, ये भी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है. सारा गिल कौन है, एक फर्स्ट ट्रांसजेंडर डॉक्टर है. तो एक ये फीमेल नहीं है, मेल भी नहीं है, ये ट्रांसजेंडर है और ये बन गई है डॉक्टर. आपको बताना है सारा गिल कहाँ की है, तो सारा गिल पाकिस्तान की है. चार क्वेश्चन हो गए. पांचवा क्वेश्चन है कि उस इंजन का नाम बताइए जो कि दैट विल पावर इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन रॉकेट कैरिंग रॉकेट गगनयान ह्यूमन स्पेस. तो गगनयान के थ्रू क्या होने वाला है, गगनयान के थ्रू हम लोग जाने वाले हैं स्पेस में. भारत से लोग ह्यूमन अभी तक नहीं गए हैं, है ना, तो आदमी जाएगा स्पेस में. तो आपको बताना है कि कौन से इंजन पे बैठ के, गगनयान मिशन तो ठीक है, इंजन का नाम है विकास इंजन, ठीक है. चलें, फिर है लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा. आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं ट्राइबल मूवमेंट, उसमें बिरसा मुंडा के बारे में बताएं. 1899 से लेके 1900 में बिरसा मुंडा का मुंडा आंदोलन हुआ था, और बिरसा मुंडा के साथ साथ एक और आंदोलन इंपॉर्टेंट था, संथाल को कौन किया था, सिद्धू कान्हू चांद और भैरव. तो बिरसा मुंडा पे कहानी किसने लिखा है, तुहीन ए सिन्हा ने, ठीक है. लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा कौन किताब लिखा है, तुहीन ए सिन्हा, ठीक है. चले नेक्स्ट, फिर आप देखें कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार. आपदा क्या होता है, आपदा कुछ भी हो सकता है, वोल्केनो फट गया, सुनामी आ गया, अर्थक्वेक आ गया, है ना, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, कुछ भी हो सकता है. तो उसका प्रबंधन यानी कि रिजिलियंस मैनेजमेंट, तो ये करेंगे कौन, विनोद शर्मा जी को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. तो ये भी पूछा जा सकता है कि आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है, तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट पे जो मतलब पुरस्कार है किसके नाम पे है, तो सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे है. दिया किसको गया, तो विनोद शर्मा जी को दिया गया 2022 के लिए. सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट, तो बैडमिंटन के फील्ड में होता है गाइस. कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन आंसर करना है, जनवरी का सब कुछ आज खत्म करेंगे कहानी, ठीक है. सैयद मोदी क्या है, तो ये इंटरनेशनल बैडमिंटन के लिए है सैयद मोदी. तो इसको किसने जीत लिया है, इसको जीतने वाली है पीटी
पीटी उषा लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉरी पीवी सिंधु होगा यहाँ पे आंसर, क्या होगा? तो पीवी सिंधु होगा, पीवी सिंधु होगा इसका आंसर। क्लियर? यस, अंडरस्टूड। चले बढ़िया, नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि नेपच्यून स्ट्राइक 2022 मेरी टाइम एक्सरसाइज बाय नाटो पार्टनर। तो ये बताइएगा कि पूछा जा रहा है नेपच्यून स्ट्राइक 2022। तो नेपच्यून स्ट्राइक क्या होता है कि बहुत सारी कंट्री आके यहाँ पे एक्सरसाइज करती है, नेवल एक्सरसाइज होता है ना, आर्मी एक्सरसाइज होता है, वैसे ही यहाँ पे है। तो पूछा जा रहा है नेपच्यून स्ट्राइक जो है नाटो द्वारा किया गया है। नाटो मतलब नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें अमेरिका और इसके सहकारी देश हैं जैसे इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, और तो ये सब आके कहाँ पे कर रहे हैं? मेडिटेरियन सी में कर रहे हैं। ठीक है, मेडिटेरियन सी में कर रहे हैं। मेडिटेरियन सी कहाँ पे है? तो ये यूरोप के नीचे आपको दिखेगा और अफ्रीका के ऊपर, तो आपको यहाँ पे मेडिटेरियन सी दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे इटली वगैरह भी आपको पता चलेगा है। ओके, चलें बढ़िया। हाँ चलें, नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखिए सामने, बेस्ट फीचर फिल्म एट ऑस्कर। तो ऑस्कर में 2022 किसको अवार्ड मिला है? तो आप बताइएगा, इंडियन फिल्म हैज बीन नॉमिनेटेड। तो ऐसे अवार्ड तो कोडा को मिला है, ठीक है, कोडा को मिला है ऑस्कर के लिए, और बाफ्टा में मिला है पावर ऑफ द डॉग। ठीक है, पावर ऑफ द डॉग को, लेकिन भारत से जिसको नॉमिनेट किया गया था, तो भारत से जय भीम गया था और एक और मूवी गया था, भारत से जय भीम गया था और एक और मूवी गया था, बताइएगा। ऑपरेशन सर्द हवा, तो BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है और भारत और बांग्लादेश के बीच में है। ठीक है, तो BSF दो जगह काम करती है। ये ऑपरेशन सर्द हवा यानी कि ठंडा हवा आएगा तो उसके लिए एक ऑपरेशन है, और गर्म हवा भी एक ऑपरेशन है। तो पूछा जा रहा है कौन से बॉर्डर पे? तो ये राजस्थान में है, जो कि ठंड में बहुत ठंड हो जाता है और गर्मी में बहुत गर्मी हो जाता है ना। क्लाइमेट ऑफ इंडिया रिपोर्ट, कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा प्रभावित है? तो 2021 का जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया रिपोर्ट आया है, इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा प्रभावित है इस रिपोर्ट से, ये आप बताइएगा। यस, हाँ ठीक है, ओके तो ये है महाराष्ट्र। नहीं 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 आंसर आप लोग थोड़ा गलत दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं, बोला था ना कि ही बोले थे ना हम कि पता है तो बहुत अच्छा, नहीं पता है तो और अच्छा, क्योंकि अब आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, अपना कांगड़ा, अपना कांगड़ा क्या है कि जो लोग खुद से जो सामान बनाते हैं ना, हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, जो लोकल लोग होते हैं और लोकल लोग हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, तो अपना कांगड़ा शुरू हुआ है ये हिमाचल प्रदेश में। कांगड़ा ना डिस्ट्रिक्ट है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का। अपना कांगड़ा शुरू हुआ है हिमाचल प्रदेश में, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हैंडीक्राफ्ट लोगों के लिए, जो हैंडीक्राफ्ट अपना सामान जो हस्तशिल्प से बनाते हैं उनके लिए। नेक्स्ट, Aero 3, Aero 3 क्या है? एक टेस्ट फ्लाइट है जो कि एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम का है, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम का है। तो आप बताइएगा कि Aero 3 ये किसके लिए है, किसके लिए है? यस, Aero 3 इज फॉर विच कंट्री? Aero 3 इज़राइल के लिए, इज़राइल के लिए Aero 3 को शुरू किया गया है। कोई डाउट नहीं है इसमें आपको? क्लियर है? यस, नेक्स्ट, इज़राइल का है Aero 3। स्टैचू ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, देखिए इस तरह से सवाल आता है कि इनका स्टैचू को अभी प्लेस किया गया है इनके बर्थ एनिवर्सरी पे, तो आपको बताइए। आप बताइए कि ये जो सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू है ये कहां पे प्लेस किया गया है, कहां पे प्लेस किया गया है? हाँ
तो सुभाष चंद्र बोस जी का जो स्टैचू है ये इंडिया गेट पे किया गया है, इंडिया गेट पे किया गया है, ठीक है। हाँ, इनके बर्थडे पे, बिल्कुल 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 सही बात है। नेक्स्ट आप देखिएगा कि विच स्टेट्स सुंदर भवन मिनी जू हैज बीन लॉन्च्ड, विच स्टेट सुंदर भवन मिनी जू हैज बीन लॉन्च टू एडॉप्ट अ एनिमल इनिशिएटिव, एडॉप्ट अ एनिमल इनिशिएटिव। ओके, कौन सा, देखो यहां पे क्या होगा कि एक एनिमल को एडॉप्ट कर लेना है, ठीक है, एक एनिमल को एडॉप्ट करना है। तो ये गुजरात का है, गुजरात का जू है, यहां से आप एक एनिमल को एडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, द रिपोर्ट टाइटल बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। तो देखिए एक रिपोर्ट निकला है ताकि बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो जितने भी इलेक्ट्रिक गाड़ी है इस पे बैंक एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, ताकि जो लोग गरीब हैं, जो लोग बैंक नहीं पहुंच सकते हैं, ये बहुत रिमोट एरिया में है, वो भी बैंक को ऑपरेट कर ले। एक लेजेंड स्पोर्ट्स स्टार है जिनका नाम है सुभाष भौमिक, इनका निधन हो गया है, इनका निधन हो गया है। तो आप बताइएगा ये जो सुभाष भौमिक हैं जिनका निधन हो गया है, ये कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है। कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है। हाँ जी, तो सुभाष भौमिक जो है ये फुटबॉल से एसोसिएटेड है, इनका निधन हो चुका है और ये फुटबॉल से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट, यूएनडीपी यंग क्लाइमेट चैंपियन, यूएनडीपी यंग क्लाइमेट चैंपियन, आप बताएंगे हु हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट यूएन, यानी यूनियन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्लाइमेट चैंपियन से किसको दिया गया है पुरस्कार। तो ये देखिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है प्रजक्ता कोहली, आपने इनको मूवी में भी देखा होगा, एक मूवी है ना अभी आया था, उसका नाम नहीं याद है मुझे, जुग जुग जियो, तो उसमें वरुण धवन की बहन बनी है प्रजक्ता कोहली, इनको मिला है। हाँ, यूट्यूबर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप देखें कि स्वीडिश इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग, तो रिसर्चर ने एक प्रजाति, एक स्पीशीज का नाम ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा है। ग्रेटा थनबर्ग कहाँ से है, स्वीडन से, तो स्वीडिश इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। अब आप बताइएगा कि ये जो स्वीडिश इन्वायरमेंटलिस्ट हैं इनके नाम पे कौन सा प्रजाति रखा गया है, रेन फॉरेस्ट को रखा गया है। कौन सा प्रजाति को रखा गया है गाइज, तो रेन फॉरेस्ट, रेन फ्रॉग को रखा गया है। मैं बस क्लास स्टार्ट करवा रही थी तो मेरा थोड़ा सा डेविएशन हो गया, पर ठीक है, नाउ आई विल बिल्कुल चलें। तो आप लोग आंसर क्या दे रहे थे, बहुत ज़्यादा बच्चे मेढक ही बता रहे हैं, ठीक है, तो मेढक के नाम पे, ये ग्रेटा थनबर्ग के नाम पे मेढक का नाम रखा गया है। मिया मोटले, तो दूसरी बार ये प्राइम मिनिस्टर बनी है, मिया मोटले क्या बन गई है, प्राइम मिनिस्टर बन गई है दूसरी बार, मिया मोटले, पांच बार बोलो मिया मोटले, तो बारबाडोस की बनी है, कहाँ की बनी है, बारबाडोस की बनी है, बारबाडोस, यस 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 यस, ठीक है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। तो आप लोग आंसर बता रहे हैं, मैं देख रही हूँ आप लोगों का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें कि यंगेस्ट वुमेन टू फ्लाई सोलो अराउंड द वर्ल्ड, गुजराती फिल्म चलो शो को अदर ऑस्कर नॉमिनेशन मिला, बिल्कुल बढ़िया। तो यंगेस्ट वुमेन टू फ्लाई सोलो अराउंड द वर्ल्ड, ये दुनिया भर में यंगेस्ट वुमेन है जो मतलब जहाज से घूम चुकी हैं, इनका नाम है ज़ारा रुदरफोर्ट दुनिया भर में ये घूम चुकी है, यंगेस्ट वुमेन है।
लार्जेस्ट कैनाल, देखो तुम लोग को क्वेश्चन में नंबर ऊपर नीचे दिख रहा होगा क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को फिल्टर किया है कि ये आ सकता है ये नहीं आ सकता है, ठीक है। लार्जेस्ट कैनाल लॉक हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री, तो ये एक लॉक केनाल लॉक बना है, ये केनाल लॉक नीदरलैंड्स में बना है, ठीक है। केनाल लॉक कहां बना है, नीदरलैंड्स में बना है। लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, सबको पता है ना क्या चल रहा है, जनवरी महीने का करंट अफेयर्स का रिवीजन चल रहा है। तो देखो जितने भी हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बोलते हैं तो उसके लिए चार्जिंग स्टेशन भी तो होना चाहिए। ये कहां पे किस शहर में हुआ है, तो गुड़गांव में बना है। कहां बना है, गुड़गांव में बना है, ठीक है, ओके। गोल्ड का डिमांड बढ़ते जा रहा है, गोल्ड का डिमांड दुनिया भर में बढ़ते जा रहा है। इस साल, पिछले साल जो है 2021 में 10% ज्यादा गोल्ड का डिमांड बढ़ चुका है। रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को चौथा फोर्थ स्टेट में, ऑलरेडी तीन थे और इस स्टेट में चार बन गए हैं, तो राजस्थान में है। रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, र से राजस्थान, र से रामगढ़। अगला सवाल, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व बन गया, इसको अवार्ड मिला है। टाइगर में मान लो जितना इसका पॉपुलेशन था तो उसका दुगना पॉपुलेशन करने के लिए इसको अवार्ड मिला है, तो टाइगर पॉपुलेशन को दुगना बढ़ाने के लिए इस स्टेट को अवार्ड मिला है। स्टेट का नाम क्या है गाइज, तो इस स्टेट का नाम है, यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, तो इस स्टेट का नाम है तमिलनाडु, तमिलनाडु इसका नाम है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। ज्योमोरा कैस्ट्रो, ज्योमोरा कैस्ट्रो पहली फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट बनी है, ये फीमेल प्रेसिडेंट है और ये किस कंट्री की प्रेसिडेंट बनी है, किस कंट्री की प्रेसिडेंट बनी है, यस वेरी गुड एक्सेलेंट एक्सेलेंट, तो ये कौन सा कंट्री की प्रेसिडेंट बनी है, होंडुरस। देखिए ये सवाल आने का बहुत बहुत चांसेस है क्योंकि होंडुरस की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है और इनका नाम क्या है, ज़ियोमोरा कैस्ट्रो इनका नाम है। डिजिटल संसद ऐप, डिजिटल संसद ऐप मेक लाइव प्रोसीडिंग एक्सेसिबल टू सिटीजन, तो अभी क्या है कि सिटीजन जो है वो पूरी तरह से लाइव देख सकते हैं, है ना, तो ये डिजिटल संसद ऐप से है। ये ओम बिरला ने इसको लॉन्च किया है, ओम बिरला कौन है, लोकसभा के स्पीकर हैं, है ना, लोकसभा के स्पीकर हैं, और अब जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी, ये राज्यसभा के स्पीकर हैं। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट है द $10 द 10 ट्रिलियन ड्रीम, तो यूएस डॉलर 10 ट्रिलियन ड्रीम एक किताब लिखी गई है। भारत को कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी हमारा जीडीपी बढ़ जाएगा और यूएस डॉलर 10 ट्रिलियन हो जाएगा, तो ये सुभाष गर्ग ने ये किताब लिखी है कि भारत का ये जो सपना है 10 ट्रिलियन ड्रीम का, ये बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, इस पे किताब लिखी गई है। चले नेक्स्ट सवाल है, यूएस डॉलर वन बिलियन इन्वेस्टमेंट इन भारतीय एयरटेल, तो कौन सा कंपनी है जो कि कह रहा है कि यूएस डॉलर का जो 1 बिलियन पैसा, रुपया है, रुपया नहीं डॉलर, तो भारती मित्तल, ये पैसा भारती मित्तल के एयरटेल पे पैसा लगेगा, गूगल पैसा लगाएगा एयरटेल पे, गूगल पैसा लगाएगा एयरटेल पे, ठीक है, गूगल पैसा लगा रहा है कहां पे, एयरटेल पे। कोविड डायग्नोस्ट टेक्निक यूजिंग चेस्ट एक्सरे, तो कोविड का आपको पता चल जाएगा कि कोविड है कि नहीं, वो RT-PCR वगैरह से नहीं, चेस्ट के एक्सरे से, तो चेस्ट का एक्सरे IIT जोधपुर ने एक ऐसा टेक्निक निकाल दिया है कि सिर्फ चेस्ट का एक्सरे करके ये बता देगा कि कोविड है कि नहीं, IIT जोधपुर। रिलायंस जियो BP सेट अप इंडियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग हब, है ना, तो रिलायंस जियो ने सबसे बड़ा चार्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग हब कहाँ बनाया है, दिल्ली में बनाया है, तो भारत का सबसे बड़ा गुड़गांव में बनाया है, लेकिन रिलायंस जियो ने कहाँ पे बनाया है, रिलायंस जियो में दिल्ली में बनाया है, तो जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो आके यहाँ पे चार्ज होते जाएंगे। कथकली की डांसर है, कथकली कहाँ का नृत्य है, कथकली है आपका केरला का, ठीक है, और भरतनाट्यम कहाँ का है, तो भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, ठीक है, भरतनाट्यम, एन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है भरतनाट्यम, ठीक है। और एक और है मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम, तो मोहिनीअट्टम कहाँ का है, ये भी आपका केरला का है। तो कथकली डांसर
मिलेना साल्विनी का निधन हो गया है। तो आप बताइएगा कि ये जो मिलेना साल्विनी है ये किस कंट्री की है, लेकिन ये कथकली डांस करती हैं। तो ये फ्रांस की हैं और ये कथकली डांस करती हैं, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। ओडिशा ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप शुरू हुआ है, ये कटक में शुरू हुआ है, ठीक है। जगन्नाथ पुरी जी का मंदिर कहाँ है? पुरी में। ओके, अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, ये किताब लिखी गई है, किताब से सवाल आते हैं गाइज, बकअप। जब कह रही हूं कि जनवरी के सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ डिस्कस करें, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। कल क्या करेंगे? कल फरवरी के डिस्कस करेंगे। देखो 15 दिन के अंदर दिवाली के पहले चैलेंज है कि करंट अफेयर्स के एक भी सवाल नहीं छूटेंगे अगर आप यहाँ पे कंटिन्यू रहेंगे 8 बजे से 9 बजे तक। तो दिवाली में मेरा आपको यही गिफ्ट है कि आपको करंट अफेयर्स पूरा कॉन्फिडेंस के साथ तैयार करवा देना, ठीक है। तो आप देखिएगा कि रस्किन बॉन्ड एक लिटिल बॉय ऑफ इंडिया किताब लिखी गई है ना। चले नेक्स्ट, ODF ओपन डेफिकेशन फ्री। तो स्वच्छ जो लोग जाते हैं वॉशरूम यूज करते हैं, एक ऐसा गांव बनाना है जिसका नाम क्या है, साउथ मोबोंग इसका नाम है, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है कि ये जो साउथ मोबोंग है, मोबोंग ये कहाँ पे ये गांव है, कहाँ पे ये गांव है, ये मिजोरम में गांव है। फर्स्ट ओपन डेफिकेशन फ्री तो है ही, प्लस भी है। प्लस का मतलब है कि आप बाहर तो नहीं जा रहे, लेकिन आप अच्छे से उसका पानी साफ सुथरे से निकल रहा है, वो शौचालय आपके घर के अंदर है। तो ये मिजोरम में है, विलेज ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। तो इसराइल ने भारत के साथ यहाँ पे हाथ मिलाया है, हैंड ज्वाइन किया है कि आपको हम विलेज ऑफ एक्सेलेंस बना के देंगे, ऐसे गांव बना के देंगे जो एकदम एक्सेलेंस के हैं। तो ये कहाँ कितने गांव बनेंगे, 150 ऐसे गांव बनेंगे, 150 गांव का वादा किया है इसराइल ने भारत के साथ। हाँ, एक स्टूडेंट है सपना, ये कह रही है हम पूरा कॉन्फिडेंस के साथ करंट अफेयर्स तैयार कर लेंगे, ये हमारा गिफ्ट है आपको दिवाली में। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, मुझे यही गिफ्ट चाहिए था, बेस्ट। चले बढ़िया, न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया। तो न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया कौन है, ये जल्दी से बताएंगे। न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, तो जितने भी आर्थिक चीज है उसके सलाहकार, ये सलाहकार बने अनंत नागेश्वरन, ये बने हैं सलाहकार, ठीक है। चले नेक्स्ट, कौन से कंट्री ने जीत लिया है विमेन हॉकी एशिया कप। तो विमेन हॉकी एशिया कप ये जीता है जापान ने। जापान वो एक ऐसा कंट्री है जिसने विमेन हॉकी का एशिया कप जीत लिया है। नेक्स्ट, फियरलेस गवर्नेंस किताब लिखी गई है। फियरलेस यानी कि डर नहीं, गवर्नेंस यानी कि गवर्नेंस करना, ये किताब किरण बेदी ने लिखी है, हमारी पहली विमेन IPS ऑफिसर किरण बेदी। चले नेक्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट इंटेलिजेंस मैसेंजर कॉल्ड पॉप्स। तो ये क्या करेगा कि पॉप्स आपको मैसेज कर देगा, ये पेटीएम मनी का है, ये इंटेलिजेंट मैसेंजर है, कोई भी ट्रांजैक्शन वगैरह होता है तो पॉप्स मैसेज करता है ये, ठीक है। चले नेक्स्ट, अब देखिए अगर कोई भी अनार की बात हो रही है, पॉम में गेरेंट क्या होता है, अनार होता है। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा कंट्री है जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है अनार का। तो अनार का निर्यात सबसे ज्यादा बांग्लादेश करता है, भारत नहीं करता है, अनार का निर्यात सबसे ज्यादा बांग्लादेश करता है, ठीक है। ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव डॉक्टरों को ट्रेन करने के लिए एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है, अपनी तरह का पहला। तो ये है आपका कर्नाटका, टू ट्रेन डॉक्टर, यहाँ पे ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव, दिमाग के मानसिक स्वास्थ्य भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी खुश रहिए। जब खुशी नहीं लगे, टेंशन लगे, बहुत पानी पीजिए, पानी पीने से ब्रेन में ऑक्सीजन जाता है, ब्रेन ठीक हो जाता है, ठीक है। तो कर्नाटका में शुरू किया गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये सवाल आएगा क्योंकि बहुत साल बाद कोई ऑस्ट्रेलिया के ही ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते हैं और इनका नाम है आश्ली बाटी विमेन है और ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत चुकी है आश्ली बाटी, याद रखेंगे, ठीक है। चले नेक्स्ट, ग्रीन कोर्ट पे होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, रेड क्ले कोर्ट पे होता है फ्रेंच ओपन, ब्लू कोर्ट पे होता है आपका कौन सा बताइएगा, US।
विम्बलडन, हाँ अर्जेंटीना जीत गया 2022 विमेन पैन एम कप। तो अर्जेंटीना ने चिले को हरा के विमेन पैन एम जीत लिया है। आप मुझे बताइए ये पैन एम कप किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, कौन सा स्पोर्ट्स है। चले नेक्स्ट, लेप्रोसी डे जो कुष्ठ रोग होता है इसका थीम क्या है, कुष्ठ रोग का थीम है यूनाइटेड फॉर डिग्निटी, सबको साथ में मिलके इस रोग को खत्म करेंगे। चले नेक्स्ट है, टाटा स्काई ने अनाउंस किया है कि इसका नाम बदल जाएगा, टाटा स्काई का नया नाम हो जाएगा टाटा प्ले। नेक्स्ट, एयर एशिया हैज चेंज इट्स नेम टू कैपिटल ए। तो एयर एशिया ने क्या कहा है कि हम अपना नाम रख देंगे कैपिटल ए, ठीक है, नाम इसका है कैपिटल ए। तो ये कहां पे नाम रख दिया जाएगा, मलेशिया में, मलेशिया में एयर एशिया का नाम बदल गया है। फिर पूछा जा रहा है इन्वायरमेंटल इमरजेंसी, तो बहुत ज्यादा तेल का स्पिल हो गया था, तेल निकल जाता है जैसे शिप से जाता है ना तो शिप में लीक हो जाता है, तो इन्वायरमेंट का इमरजेंसी लग गया जनवरी महीने में, पेरू में लगा था, ठीक है, पेरू साउथ अमेरिका का कंट्री है, पेरू में बहुत बड़ा ऑयल स्पिल हो गया और इसमें इमरजेंसी लग गया। अगला सवाल कि भारत का पहला फर्स्ट यूनिक रॉक म्यूजियम, तो रॉक म्यूजियम कहां पे इनॉग्रेट किया गया है गाइज, रॉक म्यूजियम इनॉग्रेट किया गया है हैदराबाद में, हैदराबाद में भारत का पहला रॉक म्यूजियम इनॉग्रेट किया गया है। वैसे आज से सीआईएसएफ का बैच भी शुरू हो गया है, तो जो भी बच्चे सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल एएसआई और फायरमैन की तैयारी करना चाहते हैं जल्दी से बैच में एनरोल कर लेंगे, कोड है Y332, इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। और आज 9 बजे से मेरी बैचेस है आईएमडी में, तो एसएससी आईएमडी और डीआरडीओ का एक नया बैच शुरू हो गया है, इसमें जितने बच्चे हैं वो भी जल्दी से इनरोल कर लेंगे, कोड आपको पता है ना। फर्स्ट यूनिक रॉक म्यूजियम आप समझ गए हैं हैदराबाद में है। नेशनल यूथ फेस्टिवल, तो युवा महोत्सव मनाया जा रहा है गाइज, युवा महोत्सव पुडुचेरी में, आपको लगेगा जम्मू कश्मीर या लद्दाख होगा, आंसर है पुडुचेरी में मनाया जा रहा है, पुडुचेरी में, ठीक है ठीक है, चलें बढ़िया। नेक्स्ट आप देखें, विच कंट्री हैज टॉप्ड आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट टेबल। तो वर्ल्ड चेस्ट जनवरी में आईसीसी ने निकाला था, इसमें टॉप ऑस्ट्रेलिया ने किया था, ऑस्ट्रेलिया ने टॉप किया था, ठीक है, आईसीसी क्रिकेट का जो होता है। अगला सवाल है, एक बार लिखते जाओ कमेंट सेक्शन में, आंसर लिखते जाओ वरना क्या होगा बताए, याद नहीं होगा, जल्दी जल्दी लिखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, है ना, क्वेश्चन आंसर देखते जाना, एग्जाम में ऐसा ही होगा, क्वेश्चन आएगा आंसर आएगा आप बता दीजिएगा। टू टूरिस्ट एरिया डिक्लेयर किया गया है जम्मू कश्मीर में, गुलमर्ग और सोनमर्ग, ठीक है, मर्ग का मतलब क्या होता है, जैसे एक पहाड़ है, पहाड़ में बर्फ से ढका हुआ है, जब बर्फ पिघल जाता है तो उसमें ग्रास लगे रहते हैं तो वही हो जाता है आपका मर्ग, ठीक है मर्ग। नेक्स्ट, विच कंट्री क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड एक्सट्रैक्टिंग 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस एनर्जी फ्रॉम आर्टिफिशियल सन, आर्टिफिशियल सन बना के उससे एनर्जी निकाल रहा है ये कंट्री, चाइना है, इतना खतरनाक काम कौन करता है, चाइना करता है, चाइना। अगला, एलएनजी टर्मिनल ऑफ कर्नाटका लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इसका टर्मिनल कर्नाटका का बना है, बेंगलुरु में नहीं बना है, मेंगलुरु में बना है, मेंगलुरु जो है वो तट पे है आपका, अरेबियन सी में है के तट पे है, ये मेंगलुरु में बना है। नेक्स्ट, CACP चेयरमैन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। तो ये लोग क्या करते हैं ना कि MSP वगैरह बताते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होगा, या गन्ना का अगर आप गन्ना बेचने गए हैं तो मार्केट में प्राइस क्या होगा, अगर सरकार को बेचेगा तो क्या प्राइस होगा, तो यही CACP करते हैं। इनका नाम है विजय पॉल शर्मा, ये बताते हैं प्राइस। ममता बियॉन्ड 2021, ममता बनर्जी पे किताब लिखी गई है, ममता बनर्जी आपको पता है वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है, तो ममता बनर्जी पे जो किताब लिखी गई है आपने बताना है ये किताब किसने लिखा है, जयंत घोषाल ने ये किताब लिखा है, एक बार देख लो ना, क्वेश्चन आंसर देख लोगे ना याद रहेगा, ठीक है, जयंत घोषाल ने लिखा है। इंडियाज फर्स्ट इंडेक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी, देखिए अब क्रिप्टो करेंसी पे बात शुरू हो गई है, RBI ने भी नोट दे दिया है, डिजिटल करेंसी अलग होता है,
क्रिप्टो करेंसी अलग होता है, डिजिटल करेंसी पर ट्रांजैक्शन कीजिएगा 30% कटेगा, 30% टैक्स लगेगा, 1% ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेगा। क्रिप्टो करेंसी का इंडेक्स निकाला गया है, नाम है IC15 क्रिप्टो करेंसी का इंडेक्स है भारत में। चाइल्ड मैरिज फ्री, यानी कि बच्चा लोग का शादी नहीं होता है, आप लोग के लिए दुख का बात है, ठीक है, तो बच्चा लोग का शादी नहीं होता है, चाइल्ड मैरिज फ्री गंजम डिस्ट्रिक्ट पूरी तरह से हो गया है। ये कहां पे है गाइज, ये ओडिशा में है गंजम डिस्ट्रिक्ट। अगला सवाल है, यूएन एंटी टेररिज्म कमिटी, तो टेररिज्म आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करना है, यूनाइटेड नेशन ने सोच लिया है, इसके लिए चेयरमैन बनाए हैं, चेयरमैन कौन बने हैं, भारत के बने हैं, टी एस तिरुमूर्ति जो कि हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे, अब ये बदल गए हैं, जिस महीने का न्यूज है उसमें हम कंफर्म करवा देंगे आपको। यूएन एंटी टेररिज्म कमिटी के चेयरमैन कौन बने हैं, टी एस तिरुमूर्ति बने हैं। न्यू लोसार फेस्टिवल, लोसार क्या है, एक महोत्सव है, और ये महोत्सव कहां मनाया जाता है, तो एल से लोसार एल से लद्दाख। अगर ऑप्शन में लद्दाख नहीं रहेगा तो सिक्किम टिक कीजिएगा, सिक्किम, क्योंकि तिब्बत के लोग इसको मनाते हैं जो बुद्धिज्म में मानते हैं, ठीक है। चले अगला सवाल है कि रामनाथ गोयनका अवार्ड फॉर फोटो जर्नलिज्म, तो जर्नलिज्म यानी कि पत्रकारिता करना है लेकिन फोटो जर्नलिज्म करना है, मतलब कि जो फोटो न्यूज़पेपर में छपता है, तो जिशान ए लतीफ को मिला ये अवार्ड, किसको मिला है, जिशान ए लतीफ को, जनवरी का न्यूज है, आप पढ़ चुके हैं। चले नेक्स्ट, ओमी श्योर क्या है, ओमी श्योर ना एक ओमिक्रॉन कोविड का एक वेरिएंट है, तो अगर आपको ओमिक्रॉन का जांच करना है तो उसके लिए भारत में बन गया है ओमी श्योर हो जाइए कि ओमिक्रॉन है कि नहीं है। समझ में आ रहा है, ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रहा है, मजा आ रहा है, आर यू गाइज एंजॉइंग, पढ़ने में मजा आना बहुत जरूरी है, वरना फिर कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कुछ याद नहीं होगा, ब्रेन इज नॉट हैप्पी, कुछ याद नहीं होगा। चलें जल्दी बताएंगे, हाँ, हु हैज बिकम फर्स्ट वुमेन टू लीड अ न्यूक्लियर कैरियर, न्यूक्लियर कैरियर, इसका हम आपको पीडीएफ तुरंत दे देंगे जस्ट क्लास के बाद। तो ये है एमी बॉशमिस्ट, नाम खतरनाक है, समझ जाओ, खतरनाक काम करी है, न्यूक्लियर कैरियर कैरी करी है अमेरिका के नेवी के लिए। चले नेक्स्ट सवाल, मोदी जी ने इनॉग्रेट कर दिया महाराज वीर विक्रम एयरपोर्ट, तो महाराज वीर विक्रम एयरपोर्ट मोदी जी ने कहां बनाया है, त्रिपुरा में बनाया है, त्रिपुरा अगरतला कैपिटल है, महाराज वीर विक्रम एयरपोर्ट कहां बना गाइस, तो त्रिपुरा में बन गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये एंटीगुआ और बारबूडा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंटीगुआ और बारबूडा, आपको बताना है कि सोलर अलायंस यानी कि जो भारत ने शुरू किया था किसके साथ मिलके, फ्रांस के साथ मिलके, कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और केप्रिकॉन के बीच का सारा कंट्री क्या करेगा, ISA बन जाएगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, सबके पास एक कॉमन क्या रहेगा, सोलर पैनल रहेगा, तो जिस कंट्री में सूरज है अभी उगा हुआ है दिन में, वो कंट्री अपना रिचार्ज कर लेगा, जब वहां अंधेरा हो जाएगा तो दूसरा कंट्री उसको अपना सोलर ग्रिड दे देगा। वन अर्थ वन ग्रिड वन सन इनिशिएटिव था, तो ये 102वां कंट्री बन गया है एंटीगुआ और बरबूडा, अब बाकी कंट्री भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और केप्रिकॉन के अलावा वाले भी। दुनिया का सबसे ज्यादा डाउनलोडेड ऐप कौन सा था 2021 में, आपने कौन सा ऐप इंस्टॉल किया था, तो टिकटॉक हुआ था, ठीक है, टिकटॉक सबसे ज्यादा इंस्टॉल हुआ था, फिर इंस्टाग्राम, फिर फेसबुक, हम ना ही इंस्टा पे हैं ना ही फेसबुक पे हैं, व्हाट्सएप पे होना पड़ता है, टेलीग्राम आप लोग के लिए है, स्नैपचैट नहीं, जूम पे होना पड़ता है, ठीक है, मैसेंजर ये सब तो सुने भी नहीं हम, हाँ स्पॉटिफाई गाना सुनने का ऐप है, ठीक है, आप लोग बताइएगा आप लोग क्या करते हैं, तो हम बोलेंगे कि जितना देर एग्जाम है ना उतना दिन थोड़ा आप दूर रहिएगा इससे, सोशल मीडिया से। ग्लोबल रोबोटिक्स हब, तो देखो एक कंट्री कह रहा है कि भाई हम ना 5 साल का अपना प्लान बना लेंगे, 5 साल का प्लान बना लेंगे कि हम रोबोटिक्स को बढ़ावा देंगे अपने देश में। चाइना है 2025 तक का प्लान बना के बैठ गया है, देखो इंडिया और चाइना में यही अंतर है, 2021 से 25 तक का प्लान बना लिया है, हम लोग अभी सोचेंगे तो पता नहीं कब करेंगे, कब प्लान बनेगा। मोदी मार्ग एक रोड बना है, ये रोड बना है आपका सिक्किम में, पहले इसका नाम था जवाहरलाल नेहरू रोड, देखिए घोड़ बेइज्जती, उसके बाद नाम बदल के मोदी मार्ग कर दिया गया है सिक्किम में।
आप नेक्स्ट देखेंगे फर्स्ट एशियन टीम जो कि जीत चुकी है मैच इन सेंचुरियन टेस्ट मैच. तो ये देखिए सेंचुरियन में सबसे पहला भारत है, ठीक है. तो सेंचुरियन क्या है कि यहाँ पे साउथ अफ्रीका को हराकर सेंचुरियन में सबसे पहला एशिया टीम जो कि मैच जीता है इसका नाम है भारत, ठीक है. चलें बढ़िया. नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखें वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर. तो बताइएगा कि जितना भी सीईओ है दुनिया भर में उसमें सबसे बेहतरीन सीईओ कौन है. देखो हमने दिवाली गिफ्ट आपका पूरा प्लान कर लिया है क्या कि आपको करंट अफेयर्स पूरा रिवाइज करवा देना है 2022 का. रट जाओगे लेकिन ऑप्शन एक बार ना कमेंट सेक्शन में आंसर लिखते जाओगे तभी रट पाओगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा. किशोर कुमार यदम, यदम से नाम रखेंगे, ये जीत गए हैं यदम, ठीक है. क्या चीज, कौन कंपनी के सीईओ हैं ये, प्लस मीडिया ग्रुप के सीईओ हैं. साहित्य एकेडमी पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में किसको मिला है, तो इनका नाम है नमिता गोखले, नमिता गोखले को मिला है. और पंजाबी में खालिद हुसैन को मिला है, ठीक है, पंजाबी में खालिद हुसैन को मिला है. भारतीय बसु को भी मिला है अवार्ड, ठीक. चलें बढ़िया. नेक्स्ट आप देखें, एक सेकेंड, हम एक सेकेंड गाइस, ओके यस चलें बढ़िया. नेक्स्ट आप देखें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एडिशनल डायरेक्टर कौन बन गए हैं. तो एडिशनल डायरेक्टर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर हम डाल देते हैं हुरान रशीद खान, इसलिए डाले थे ना, कभी कभी एकदम अटपटा सा सवाल आएगा तो ऐसे तो हम बता दिए कि एचआर खान है और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, लेकिन अटपटा आएगा तो कोई कोई इतना तुम छोड़ भी सकते हो, नेगेटिव मत कर देना, ठीक है. आमिर सुबानी, तो बिहार जो आपका है बिहार के चीफ सेक्रेटरी बन गए हैं आमिर सुबानी. ये अभी बीपीएससी में आया था तो इसलिए हम सोचे कि आपके लिए भी हो सकता है. ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ईज माई ट्रिप, ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो विजय राजा, आपको पता होगा कौवा बिरयानी जो खाए थे 5 रुपए का, और वरुण शर्मा, ये दोनों बन गए हैं ब्रांड एम्बेसडर ईज माई ट्रिप के. ओके कोलकाता पुलिस के नए कमिश्नर कौन बने हैं, ये सब टाइप का भी आएगा क्वेश्चन. तो ऑप्शन में भी देखो ना, अभी नमिता गोखले तो अभी राइटर है ये तो नहीं बनेंगी, तो विनीत कुमार गोयल, विनीत कुमार गोयल. कभी कभी अगर बहुत अलग से सवाल आएगा ना तो एक बार ऑप्शन देखिएगा, हो सके कि बाकी तीन ऑप्शन आपको पता है कि ये लोग कोई और हैं तो भी हो सकता है ना. चले नेक्स्ट. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एज इंडियाज न्यू परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट. तो देखिए भारत को अपनी तरफ से यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंटेटिव भेजना होता है, तो बोला जा रहा है कि डिसआर्मामेंट यानी कि पूरी तरह से जितने भी हथियार हैं उसके खिलाफ, तो अनुपम रे को भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव भेजा गया है, अनुपम रे को. नेक्स्ट, सशस्त्र सीमा बल, सशस्त्र सीमा बल किसको दे दिया गया है, तो संजय अरोड़ा. देखो सशस्त्र सीमा बल हो गया, इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स हो गया, उसके बाद आपका बीएसएफ हो गया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, असम राइफल, ये सब आपको पता होना चाहिए कि कौन इसके हेड हैं, सीआईएसएफ. तो यहाँ पे संजय अरोड़ा को मिला है. दुर्गा शंकर मिश्रा ये बने हैं उत्तर प्रदेश के, तो अमीर सुबानी बिहार के बने हैं, दुर्गा शंकर मिश्रा उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी बने हैं. पंकज शर्मा, पंकज शर्मा ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, ब्रांड एम्बेसडर नहीं बने हैं एम्बेसडर बने हैं, तो भारत की तरफ से राजदूत कौन बने हैं, पंकज शर्मा कहाँ जाएंगे, मेक्सिको जाएंगे, तो इंडियन फॉरेन ऑफिसर है, मेक्सिको जाएंगे पंकज शर्मा. अब देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक कौन है, ब्रिक्स, ठीक है, तो ब्राजील रशिया इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्री मिलकर बना दिया है न्यू डेवलपमेंट बैंक. तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में बाकी कंट्री आके जुड़ गया, जैसे बांग्लादेश जुड़ा है, ठीक है, उसके बाद इजिप्ट जुड़ा है, अब और कौन सा जुड़ गया, तो इजिप्ट नया मेंबर जुड़ा है. कौन जुड़ा है, इजिप्ट जुड़ा है, ये नया मेंबर है न्यू डेवलपमेंट बैंक का. इसके अलावा उरुग्वे बांग्लादेश भी जुड़ चुका है, ठीक. नेक्स्ट आप बताएं कि भारत में सबसे लंबा मेट्रो लाइन चल रहा है, भारत में नहीं दुनिया में, तो ये शंघाई में चल रहा है, चाइना में ही चल रहा है, ठीक है. रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ कौन बने गाइस, देखो त्रिपाठी जी हैं, मित्तल जी हैं, मोहंती जी हैं, शर्मा जी हैं, जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा. रेलवे बोर्ड में वीके त्रिपाठी बने, वीके त्रिपाठी रेलवे बोर्ड में बने हैं, इसको आप याद रखेंगे, रेलवे बोर्ड के ये बने हैं वीके त्रिपाठी.
अगला सवाल कि 24वें इंडियन कोस्ट गार्ड, 24वें इंडियन कोस्ट गार्ड में चीफ चीफ बन गए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के। इंडियन कोस्ट गार्ड नेवी का हेल्प करता है, चीफ बने वीएस पटनिया। ये बहुत जरूरी सवाल है, वीएस पटनिया चीफ बने हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के। इसको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, बलदेव प्रकाश किस बैंक के एमडी सीईओ बने हैं? जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी सीईओ बने हैं बलदेव प्रकाश। क्या हुआ? हाउ इज द जोश? जोश इज वेरी लो, नॉट सीइंग यू टू पार्टिसिपेट, यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग प्रॉपरली। सारे एग्जाम के लिए है, आप आने वाले भविष्य में जो भी सवाल, जो भी जवाब देने वाले हैं एग्जाम में बैठ के, तो सारे फिर से सुन लो। आज जनवरी, कल फरवरी, परसों मार्च, फिर ऐसे करके हो जाएगा आपका फ्राइडे तक मई और अगला वीक। तो 15 दिन यानी कि दिवाली 24 तारीख को, इसके पहले हमारा टारगेट क्या है कि हमको 2022 के करंट अफेयर्स को एकदम चार्ट जाना है। ठीक, चलो। तो आर्टिफिशियल सन बना लिया के स्टार, तो ये कौन सा है? देखो साउथ कोरिया है। आर्टिफिशियल सन चाइना भी बनाया अपना, लेकिन के स्टार नाम से साउथ कोरिया बनाया है। चले नेक्स्ट। ओके, चले बढ़िया। नेक्स्ट, फिर आप देखिए कि रूपा गुरुनाथ ये रिजाइन कर दिए हैं पोस्ट से। किस स्टेट के क्रिकेट एसोसिएशन पोस्ट से? तमिलनाडु से रिजाइन कर दिए हैं। ओके, चले नेक्स्ट। 8 बजे क्लास शुरू होती है, 8 बजे सुबह। 9,544 करोड़ रुपए का ग्रांट दिया गया है जल जीवन मिशन के लिए, झारखंड को दिया गया है, झारखंड। जोश इज नॉट हाई, आई कांट सी द रिप्लाई। बहुत सुस्त हो गए तुम लोग, बीच बीच में यही दिक्कत है, शुरू में मेहनत फिर सुस्त हो जाना। झारखंड को भी दिया गया है और जल जीवन मिशन से ओडिशा को भी पैसा दिया गया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी, फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी के डायरेक्टर जनरल बन गए हैं चंद्र प्रकाश गोयल फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी के बन गए हैं। ठीक है, फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी। फिर आप देखिए सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, तो ये सब आईएएस ऑफिसर होते हैं, जैसे कि संजय कुमार सिंह क्या है, आईएएस ऑफिसर है मध्य प्रदेश कैडर के, 1987 के मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के ये सेक्रेटरी बन गए हैं। अगला सवाल कि यूनियन मिनिस्टर जिसने लॉन्च किया है पढ़े भारत 100 दिन का रीडिंग कैंपेन, 100 दिन क्या करेंगे? रीडिंग करेंगे। ये है धर्मेंद्र प्रधान, है ना, धर्मेंद्र प्रधान। ओके, अमेरिका गोल्डन गर्ल, इनका नाम कौन जो निधन हो गया, अमेरिका की गोल्डन गर्ल बिटी वाइट, 5 बार बोलना, अमेरिका गोल्डन गर्ल, गोल्डन है लेकिन नाम क्या है, वाइट है, इनका निधन हो गया है। एक विकेट कीपर है जिन्होंने अनाउंस कर दिया रिटायरमेंट, क्विटन डी कुक, साउथ अफ्रीका के हैं। अगला, इकलौते ऐसे इंडियन जो कि बीजिंग ओलंपिक में पार्टिसिपेट किए, विंटर ओलंपिक्स कहाँ हुआ, बीजिंग में, समर ओलंपिक टोक्यो में, तो आरिफ मोहम्मद खान है जो कि क्या करते हैं, स्कीइंग करते हैं। ठीक है, एल्पाइन जो बर्फ ऐसे स्कीइंग करता है ना, तो ये इकलौते इंडियन जो कि पार्टिसिपेट किए। मेरे आंसर देने के बाद कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो, तभी याद होगा। कोचिन शिपयार्ड हैंड ओवर इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक बोट टू विच मेट्रो स्टेशन, तो अपना इलेक्ट्रिक बोट बनाएगा कोचिन शिपयार्ड, तो ये कोचिन मेट्रो रेल लिमिटेड को ये अपना बोट देगा, कोचिन मेट्रो रेल लिमिटेड। नेक्स्ट, विच नेशन हैज वन अंडर-19 एशिया कप, एशिया कप जीतने वाला कौन सा देश है? भारत है, भारत बहुत बार जीत चुका है, 1989 में, 2003 में, 2012 में भारत और पाकिस्तान टाई हुआ था, 2013-14 में, 16 में, उसके बाद 17 में तो अफगानिस्तान जीता, 18, 19 और 21 में भारत जीता है। ठीक है, चलें। बहुत सारे टाइगर का निधन हुआ 2021 में, 126, कहीं कहीं 127 भी लिखा रहेगा, तो 126 127 में टिक कर लीजिएगा टाइगर। मिसेज इंडिया गैलेक्सी, तो मिसेज इंडिया गैलेक्सी बनी है डॉक्टर निकिता सोकल, मिसेज मैरिड जितनी होती है उनके लिए भी होता है, तो ये बनी है सोकल, निकिता सोकल। प्रधानमंत्री मोदी लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स
यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में खोला गया है। कहां पे खोला गया है गाइज? उत्तर प्रदेश में। चले नेक्स्ट, ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज, मोहम्मद हफीज ने अनाउंस कर दिया रिटायरमेंट। ये पाकिस्तान से खेलते थे मोहम्मद हफीज। 2003 में इन्होंने डिब्यू किया था बांग्लादेश के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ अब लास्ट मैच इन्होंने खेल लिया नवंबर 2021 में। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन कि 34th इंडियन टू लीड इंडिया इन टेस्ट मैच। तो टेस्ट मैच के 34वें कैप्टन बने हैं केएल राहुल। केएल राहुल कैप्टन है ये तो आपको पता है, 34th इंडियन है, 34वें। नेक्स्ट, कल्पना चावला के नाम पे सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस टेक्नोलॉजी खोला गया है, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पे, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पे कल्पना चावला के नाम पे। ठीक है, अब्दुल्ला हैमदॉक ये प्राइम मिनिस्टर बन गए हैमदॉक। हम बहुत बार बता चुके हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर हैमदॉक सूडान के बने हैं, हैमदॉक प्राइम मिनिस्टर बने सूडान के। ठीक है, चले नेक्स्ट, नेक्स्ट, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस हैज रिसीव्ड नेशनल अवार्ड फॉर ब्रीड कंजर्वेशन। तो ब्रीड कंजर्वेशन के लिए पशु चिकित्सा एंड पशु विज्ञान यूनिवर्सिटी खोला गया है, इसमें नेशनल अवार्ड मिला है केरला को, KVAUSU। ठीक है, तो केरला इसको मिला है वेटरनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के? कभी कभी ऐसा भी आएगा सवाल, देखो अनुपम रे तो नहीं हो सकते, ये तो भारतीय हैं जो कि यूएन जाएंगे डिसआर्मामेंट के लिए, तो ये है आशीष पांडे, आशीष पांडे। ठीक है, चले नेक्स्ट, नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि ओल्ड एज पेंशन को बढ़ा देंगे, 1200 देते थे अब ये 1400 दिया जाएगा। उत्तराखंड में जो भी ओल्ड एज के लोग हैं उनको 1400 रुपए हर महीने दिया जाएगा पेंशन। अगला, कि एक आइलैंड का नाम रखा गया है क्वीन एलिजाबेथ के नाम पे, ये ऑस्ट्रेलिया में, ये आइलैंड है ऑस्ट्रेलिया में, आइलैंड का नाम रख दिया गया है क्वीन एलिजाबेथ के नाम पे। फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, ठीक लग रहा है? हाउ इज द जोश एंड हाउ इज द स्पीड? आंसर दे रहे हो? ठीक है, याद हो रहा है चीज सब कुछ? यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल फॉर काउंटर टेररिज्म, तो काउंटर टेररिज्म के लिए यहां पे चेयरमैन बना है भारत, और कौन बने हैं भारत से? तो TS तिरुमूर्ति। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, रिसेंटली कौन सा स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च फ्री मोबाइल टैबलेट? तो मोबाइल टैबलेट चाहिए तो चले जाओ उत्तराखंड, पुष्कर सिंह धम्मी दे रहे हैं फ्री मोबाइल टैबलेट। चलो नेक्स्ट, बेटर हेल्थ स्मोक फ्री कैंपेन, तो एकदम स्मोक फ्री कर दिया जाएगा, अब इस कंट्री में कोई भी धूम्रपान नहीं करे। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड ने बोला है कि अब हम एडल्ट स्मोकर जो है यंगर पीपल पे प्रभाव पड़ता है तो क्विट स्मोकिंग कैंपेन शुरू किया जाएगा। जीएसटी कलेक्शन 2021 में बहुत ज्यादा हुआ, सबसे ज्यादा ओडिशा में हुआ। ठीक है, दिसंबर 2021 में जीएसटी कलेक्शन बढ़ गया, सबसे ज्यादा ग्रोथ देखा गया, समझ रहे हो? तो ये ओडिशा में किया गया है। एलपीजी स्मोक फ्री, यानी कि सबको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यूज कीजिए, एलपीजी सिलेंडर यूज कीजिए और स्मोक फ्री बनाइए, हिमाचल प्रदेश में शुरू है, हिमाचल प्रदेश में। एक दो बच्चा कह रहा है फास्ट है, फास्ट है क्या? हाँ, फिर देखें, फर्स्ट इंडियन ओरिजिन विमेन जो कि साउथ पोल पे चढ़ गई अकेले, ठीक है, ये इंडियन ओरिजिन की है लेकिन यूके के आर्मी इसमें है, फोर्सेस में। तो कैप्टन हरप्रीत चंडी इनका नाम है, ब्रिटिश सिख आर्मी में ये है और इंडियन ओरिजिन की है, चंडी है और साउथ पोल पे चढ़ गई अकेले। IHU COVID-19 वेरिएंट, IHU भी शुरू हो गया है, तुम लोग को ILU पता है लेकिन IHU शुरू हो गया है फ्रांस में। ठीक, सब जनवरी का करंट अफेयर्स है। नेक्स्ट आप देखें, यूरोपियन यूनियन काउंसिल फॉर फर्स्ट टाइम, तो कौन सा कंट्री प्रेसिडेंट बना है EU का पहली बार? तो ये फ्रांस है, फ्रांस EU का। देखिए यूरोपियन यूनियन में जितने कंट्री हैं 28 है ना, तो अभी यूरोपियन यूनियन में EU पहली बार बना है प्रेसिडेंट 14 साल में। फिर आप बताएं, बिहार विभूति सम्मान ये मिला है रोहित कुमार को, तो जो लोग बिहार के उसको याद रखेंगे, रोहित कुमार इनको मिला है। मीडिया ट्रेंड्स, मीडिया ट्रेंड्स कंपनी है, इसके फाउंडर है CEO, विस्तारा एयरलाइंस, विस्तारा एयरलाइन भी बहुत ग्रो किया है, तो विनोद कनन इसके CEO हैं।
रिचर्ड लेकी का निधन हो गया। रिचर्ड लेकी कौन थे? रिचर्ड लेकी साइंटिस्ट थे, ठीक है, साइंटिस्ट थे और ये अफ्रीका में बहुत सारे रिसर्च किए हैं। उसके बाद आप देखिए फर्स्ट जितना भी चीज बनाता है उसका एग्जीबिशन होगा, नुमाइश शुरू किया गया है तेलंगाना में। ओके तेलंगाना में। नेक्स्ट, आराम आराम से तो बता रहे हैं, आराम से बता दो आंसर। ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी अतुल कुमार को बनाया गया है, अतुल कुमार गोयल जी को। ये पीएनबी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक के लिए बनाया गया है। नोवाक जोकोविच बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर बने, ये भी आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। नोवाक जोकोविच कहां के हैं? सर्बिया के हैं। ओके, बेनगोनिया जेंजेंटिका, ये एक स्पीशीज है बेनगोनिया का स्पीशीज, तो आप बताइएगा कि अ स्पीशीज ऑफ बेनगोनिया, गूगल में देख लेना बेनगोनिया का फोटो, ठीक है, कहां मिला है? तिब्बत में मिला है। तो बेनगोनिया क्या है? एक प्लांट है, बहुत बड़ा प्लांट है, ठीक है, और इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लांट, तो लार्जेस्ट प्लांट है हम लोग जानते हैं इसको, और ये तिब्बत में मिला है, तिब्बत में। सिमोगर, सिमोगर सैटेलाइट कैरियर, तो सिमोगर शुरू किया गया है ईरान से, ईरान अपना सैटेलाइट कैरियर सिमोगर किया है। सिमोगर का मतलब होता है फ्योनिक्स, तो एक बर्ड होती है ना जो पूरी तरह से जल जाती है, लेकिन जैसे फिर भी बहुत बार फेलियर देखने के बाद, बहुत बार प्रॉब्लम देखने के बाद फिर वो उठ के खड़ी होती है ना। चलें ठीक है, फिर आप देखें कि इलेक्टोरल बॉन्ड, द विच इज द ओनली ऑथराइज इंस्टीट्यूशन टू सेल इलेक्टोरल बॉन्ड इन इंडिया, तो अभी सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड SBI बेचेगा। अगर आपको पैसा देना है किसी पार्टी को तो आप SBI को पैसा दे दो और वो तुमको इलेक्टोरल बॉन्ड दे देगा। पहली विमेन बनी है CMD की, CMD चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की, तो ये अलका मित्तल है, नाम याद रखेंगे। पहली बार ONGC की विमेन बनी है CMD, अलका मित्तल। कौन सा स्टेट ओपन डेफिकेशन फ्री विलेज में टॉप किया है? तेलंगाना। अगला है जल शक्ति के सेक्रेटरी कौन बन गए हैं? विनी महाजन, जल सेक्रेटरी, हर मंत्रालय का अपना सेक्रेटरी होता है, तो जल शक्ति के विनी महाजन IAS ऑफिसर हैं। डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, तो क्लीन गंगा के डायरेक्टर जनरल हैं जी अशोक कुमार, ठीक है। चले नेक्स्ट, टेस्ला, देखो टेस्ला बोला कि पहला जो व्यक्ति जिसको हम रखे थे, इम्प्लॉय रखे थे, वो इंडियन ओरिजिन के हैं, तो ये अशोक इल्लू स्वामी है। एलन मस्क खुद बोले कि सबसे पहले टेस्ला के लिए हम किसको रखे हुए थे, रिक्रूट किए थे, तो अशोक इल्लू स्वामी इंडियन ओरिजिन के हैं। हाँ देखो जल्दी से, अरे यार ये सब बोलना भूल जाते हैं हम, सेशन को लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इतना मेहनत हो रहा है, दिवाली के पहले एकदम गिफ्ट रेडी है कि पूरा 2022 का करंट अफेयर्स रट जाएंगे, है ना। नहीं नहीं आराम आराम से, देखो फास्ट थोड़ा तो करना पड़ेगा, इवन हम बोलेंगे ना कि क्लास के बाद PDF जरूर ले लेना, उसमें और भी क्वेश्चन है, ठीक, तो उसको देख लीजिएगा। चेयरमैन ऑफ G7, तो जर्मनी होस्ट कर रहा है, G7 के चेयरमैन जर्मनी होस्ट कर रहा है, ठीक है, G7 में जितना कंट्री है। अब देखिए IMPS का ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ चुका है 2 लाख से 5 लाख, SBI बैंक का बढ़ गया है। अब क्या करिए आप लोग, आप इसका PDF ले लीजिए, सुनिए, तो टेलीग्राम से आपको PDF मिल जाएगा आपके चैनल से, ठीक है, और आप इसका PDF ले लीजिएगा। सबको पता है इसमें कुछ क्वेश्चंस और हैं, जैसे कि ट्रेन गार्ड कहाँ पे मतलब हो गया है नाम शुरू, तो इंडियन रेलवे ने ट्रेन गार्ड का नाम बदल के ट्रेन मैनेजर रख दिया। ट्रेन गार्ड बोलते थे ना कि गार्ड को बुलाइए, तो नाम रख दिया गया ट्रेन मैनेजर, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़िए, बैचेस शुरू हो गए हैं 12 तारीख से, आज हो गया आपका 10 तारीख, 12 तारीख से CISF का बैच शुरू हो गया है, और आप जानते हैं कि 12 अक्टूबर से BSF का बैच शुरू हो गया है, तो एकदम ताबड़तोड़ तरीके से पढ़िए। और देखो CDS और CAPF के स्टूडेंट्स, आप लोग भी शुरू कर दीजिए प्रिपरेशन, 13 सितंबर से बैच हो गया है शुरू, एक महीना हो चुका है, मेरी भी क्लासेस हो चुकी हैं, लेकिन आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। सोच रहे हो यार FCAT भी देना है, CAPF भी देना है, CDS भी देना है, बेस्ट सोल्यूशन डिफेंस का महापैक, कोड आपको पता है Y332, इसको लीजिए और डिफेंस के महापैक में आ जाइए। SSC IMD का बैच शुरू हो गया है, SSC JEE का एग्जाम है, एक महीने का क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है, एकदम हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। DRDO के नए बैचेस आज से शुरू हैं, तो मेरी क्लासेस IMD और DRDO की 9 बजे है, नॉन टेक की, GK की क्लास, जो अभी तक नहीं आए गाइज यू आर मिसिंग समथिंग,
जब YouTube पे इतना ताबड़तोड़ तरीका है तो पेड़ में सोचो क्या होगा। तो डोंट मिस एनीथिंग, कम ऑन द कम, जल्दी से आ जाइए सेशन में। और बाकी सब कुछ लेना है कि IMD भी चाहिए, DRDO भी चाहिए, SSC JEE भी चाहिए, तो बेस्ट है कि आपने जिसमें भी डिप्लोमा बीटेक किया है आप उसका महापैक ले लीजिए। कोड आपको पता है, जल्दी से Y332 कोड यूज करना है और बैचेस में इनरोल हो जाना है। ये सारे बैचेस हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, आपको नहीं पता है कैसे इनरोल करते हैं, तो जल्दी से गूगल में जाएंगे आप। अभी देखो 9 बजे मेरी क्लास है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे गूगल में जाएंगे आप। गूगल में जाते ही, जैसे आप गूगल में आए तो यहाँ पे आपने टाइप करना है Adda247। Adda247 के आप वेबसाइट पे आ जाएंगे, ठीक है। Adda247.com वेबसाइट पे आ गए आप। वेबसाइट में जाते ही आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे। जैसे ही आप ऑल कोर्सेज में जाते हैं, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेरा नाम है कीर्ति पांडे, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है, ठीक है। तो जिस भी एग्जाम, जैसे डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस में क्या कर रहे हैं आप, CISF, CDSF, CAT, जिस भी बैच की तैयारी कर रहे हैं आपको बस उस बैच पे क्लिक करना है, ठीक है। डिफेंस में आ गए, अब आपने क्लिक करना है, जैसे कि CISF पे क्लिक किए आप, तो क्लिक करते ही आपको कोड यूज करना है। जैसे बाय नाउ पे जाओगे तो व्यू ऑफर्स का ऑप्शन आएगा कि क्या आपके पास कोई कूपन कोड है, तो आप कहेंगे हाँ हमारे पास कूपन कोड है। कोड क्या है, Y332, और अप्लाई कर देना है, तो 1599 रुपीज में आपको यह बैच मिल जाएगा। डिफेंस में अभी 80% का डिस्काउंट चल रहा है। और ये जो कोड है आपको इंजीनियरिंग पे थोड़े देर बाद लगाइएगा तो आपको मिल जाएगा। जैसे जो भी आप कोर्स में जाना चाहते हैं आपको बस उस पर क्लिक करना है और कोड यूज करना है जल्दी से Y332। आज से बैच शुरू है, जल्दी से आ जाइएगा। बाय नाउ पे जाइएगा, Y332 कोड यूज कीजिएगा, आप बैच में इनरोल कर लेंगे कल। गाइज बेटा विभूति सम्मान इसलिए दिया जाता है कि उसने कुछ कुछ अलग किया है। जैसे कि मीडिया ट्रेंड्स के जो फाउंडर हैं, तो उन्होंने बिहार में ये नया कंपनी शुरू किया और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया इस कंपनी ने, ठीक है। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। कल फरवरी महीने का करेंगे करंट अफेयर्स, और इस तरह से दिवाली के पहले पूरे साल का करंट अफेयर्स हो जाएगा कंप्लीट। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा करंट अफेयर्स से।